दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगर आपके मन में स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की 3 ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में जिसे अप्लाई करने से हमारे मोबाइल में स्टोरेज जल्दी फुल नहीं होगा। बहुत टाइम आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमारा मोबाइल हैंग ज्यादा करता है। तो जो हमारा मोबाइल है वो हैंग इसी वजह से करता है क्योंकि हमारे मोबाइल में स्टोरेज फुल है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ओनली मोबाइल के 3 हिडन सेटिंग की मदद से। वो कैसे आज के वीडियो में फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को डेड एंड तक वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल माय मोबाइल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मोबाइल की वो 3 हिडन सेटिंग के बारे में जिसे अप्लाई करने से हमारे मोबाइल में स्टोरेज जल्दी फुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है। टॉप राइट साइड में हमें देखने मिलेगा प्रोफाइल बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमें देखने मिलेगा सेटिंग्स, इस पर हमें क्लिक करना है। हमें यहाँ देखने मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने मिलेगा। सिंपली से हमें करना के क्लिक करना है ऑटो अपडेट एप्स पे। ये सेटिंग सेट होगा ओवर रनिंग नेटवर्क पे, तो हमें इसे सेट करना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स पे और ओके कर देना है। क्योंकि अगर हम इसे ओवर रनिंग नेटवर्क पे सेट करेंगे तो जो हमारे मोबाइल में ऐप्स या फिर गेम्स है वो बैकग्राउंड में अपडेट होगी विदाउट हमारी परमिशन के। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे मोबाइल में 100 से भी ज़्यादा ऐप्स होते, अगर वो सभी ऐप्स हमारे मोबाइल में अपडेट हो गए तो हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो तो कंज्यूम होगा। साथ ही हमारे मोबाइल में जो ऐप्स है जो कि अपडेट हो चुके उनको जो साइज है यानी कि MB है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में आपके मोबाइल में जो स्टोरेज है वो फुल हो सकता है, इसीलिए हमें इसे डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर सेट करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर की सेटिंग। बात करते हैं सेकंड नंबर की सेटिंग के बारे में जो कि प्ले स्टोर में ही है। सिंपली से हमें करना है कि बैक आना है, फिर से प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। देखने मिलेगा हमें यह मैनेज एप्स एंड डिवाइस, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्लिक करना है मैनेज पे, फिर हमें देखने मिलेगा दिस डिवाइस, इस पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करना है नॉट इंस्टॉल पे। हो सकता है आपको डायरेक्टली इंस्टॉल देखने मिले तो उस पर क्लिक करके आप नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। तो कुछ हमें ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें बहुत सारे ऐप्स और गेम शो कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होकर हमने अनइंस्टॉल भी कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया फिर आपने उसे यूज़ किया, फिर अगर आपको अनइंस्टॉल करना रहता है तो आप सिंपली से उसे अनइंस्टॉल कर देते। ऐसे में होता क्या कि जो ऐप है वो अनइंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन जो ऐप है जिसे आपने अनइंस्टॉल किया था वो यहाँ पर आके सेव हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते। करना क्या है, हमें सिंपली से सभी ऐप्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में बॉक्सेस दिए हुए, इन बॉक्सेस पर क्लिक करने तो राइट टिक आएगी। सभी ऐप्स या फिर गेम्स को हमें स्टार्टिंग पॉइंट तक सिलेक्ट कर लेना है। टॉप राइट साइड में हमें देखिए सेटिंग डैशबोर्ड आइकन अप्लाई करना है और इसके बाद हमें रिमूव कर देना है ऐप्स और गेम्स को रिमूव करना है। ये हो गई हमारी सेकंड नंबर की सेटिंग। बात करते हैं थर्ड नंबर की सेटिंग के बारे में जिसके लिए हमें बैक आना है, यानी कि हमें हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना है। ओपन करना है हमें गूगल फोटोज, फिर हमें देखने मिलेगा प्रोफाइल बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें देखने मिलेगा फोटोज सेटिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्लिक करना है बैकअप पर। स्क्रॉल करेंगे तो हमें देखने मिलेगा बैकअप क्वालिटी, इस पर हमें क्लिक करना है। ये सेट होगा ओरिजिनल क्वालिटी पे, तो हमें इसे सेट करना है स्टोरेज सेवर पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें सिलेक्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्योंकि अगर हम इसे ओरिजिनल क्वालिटी पे सेट करेंगे तो हमारे मोबाइल में जब भी गूगल फोटोज जितने भी फोटोज और वीडियो से वो बैकअप करेगा तो वो ओरिजिनल क्वालिटी में ही बैकअप होगा। और अगर हम इसे स्टोरेज सेवर पे सेट करेंगे तो हमारे मोबाइल में फोटोज और वीडियोस बैकअप तो होंगे लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो स्टोरेज को नहीं फुल करेगी। तो इस तरह से हम स्टोरेज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओनली मोबाइल में 3 हिडन सेटिंग्स को अप्लाई करके। आए दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।